वैसे भी कॉलेज से लौट ही रहे थे, कितने में पापा का फोन आता है कि सिस्टम हो गया, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद रोक्स। मैं तो आई होप सब आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों अभी लगभग बज रहे हैं 8 और 8 बजे मैं अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। ये देखिए अपनी रोक्सी चिमगांडी सी घूम रही है, फिर रही है, इसको बिल्कुल ओपन छोड़ रखा है आज खुले में कि यही नीचे ही खेलेगी, खेतों में तो शाम को लेके जाएंगे। देखिए देखो कैसे भाग रही है दोस्तों, मस्तियां कर रही है पूरी तरह से। देखिए गाइस कितनी खुश हो रही है, देखिए इधर भागना उधर भागना, बस इधर से उधर भागे जा रही है। ये देखो देखो गाइस बहुत मस्ती के मूड में आ रही है बिल्कुल। देखिए गाइस मैं इसके पास जाऊंगा फिर भागेगी ये। देखो इसके पास जाता हूँ ज्यादा भागती है ये देखिए। अरे रुक जा रोक्सी, रुक जा, बैठ जा। अब देखो गाइस तक के बैठ चुकी है, बहुत अच्छी केड़ी केड़ी जंप लगाई थी इसने, केड़ी केड़ी भागी जोर जोर से स्पीड में। देखिए अब तो बिल्कुल थक के बैठ चुके गाइस। देखिए हालत, देखिए हालत चेक कीजिए इसकी। तो गाइस देखिए बिल्कुल थक के बैठ चुके हैं अब तो, ये आराम से देखो कितने लंबी लंबी सांसें ले रही है, बहुत दौड़ लगाई इसने, बहुत जोर जोर से भाग रही थी तो थक चुकी है, अब तो आराम से बैठी हुई है। तो गाइस आज मैं घर पे बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज सारे के सारे खेतों में चले गए, वहाँ पे तो चने की कटाई चल रही है, तो सारे के सारे चनों की कटाई करने के लिए चले गए, मुझसे कटाई का काम आता नहीं है तो मैं घर पे ही हूँ। गाइस मुझे घर पे इसलिए छोड़ के गए क्योंकि ताकि मैं इन जानवरों का ख्याल रख सकूं, इनको देख सकूं, इनको टाइम टू टाइम चारा पानी दे सकूं, इसलिए मुझे घर पे छोड़ के गए। तो गाइस आपको एक और न्यूज़ बता दूं, अगर किसी भाई को भी जर्मन शेफर्ड परचेज करना है ना, अगर ये ब्रीड पालनी है ना, तो दोस्तों उसके लिए खेलने का जगह प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एक्टिव ब्रीड होती है, ये छोटी सी जगह में नहीं रहने वाली दोस्तों, बहुत जगह चाहिए इसके लिए, बहुत स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि छोटी सी जगह में रहने वाली नहीं है, बहुत एक्टिव होती है, ये सारा दिन कुछ ना कुछ करना होता है इनको, ये शांत बिल्कुल भी नहीं रहते दोस्तों। तो जो भी परचेस करना चाहे उसके पास अच्छा स्पेस होना चाहिए, वही इसे परचेस कर सकता है, क्योंकि देख सकते हो आप खुद, देखो इसके कारना में पता नहीं क्या क्या उठाए फिर ये। रोक्सी छोड़ रुकू छोड़, अब देख बिल्कुल नहीं सुनेगी, बस इसको अभी इस टाइम पे खेलना चाहिए। तो ऐसे एक भाग रही है कूद रही है, तब से मैं पागल हो गया, देखते देखते इसको समझाते समझाते उधर जा रही है जानवरों की तरफ, फिर इधर आ रही है, अब उस साइड से निकल के आएगी। देखो काम इसके बस यही काम है इसका, सारा दिन इधर उधर भागा, इसको थोड़ा सा ओपन छोड़ते हैं बस ऐसे ही भागती कूदती रहती है, इसलिए मैं ज्यादातर इसको बांध के रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जानवर भी है हमारे, तो वो सारे डिस्टर्ब होते हैं फिर बार बार, इसलिए मैं इसको बांध के रखता हूँ। अब मैं इसके पास जाऊंगा और ये भागेगी फिर से, ये देखो ये है इसकी हरकतें, चली गई अंदर, चल रोक्सी नहीं। देखो देखो इसका खेलने का तरीका, ये है इसका खेलने का तरीका। गाइस फाइनली हमने रोक्सी को बांध दिया है, क्योंकि ये भागते भागते उधर खेत में चले गए थे, देखो उसमें पूरी भीग के आई है, तो बीमार भी हो सकती थी, इसलिए इसको बांध दिया है। फिर शाम को टाइम भी इसको खोलेंगे, अगर खेत में चले जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक ओस नहीं रहेगा, अभी ओस है तो ये बीमार हो सकती है सर्दी की वजह से, तो इसको अभी बांध के रखा है आराम से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे का, और मुझे कॉलेज से अर्जेंटली कॉल आया है कि आज आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक के लिए हमें कॉलेज जाना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको मिलता हूँ सीधा डायरेक्ट कॉलेज में, तो दोस्तों ब्लॉग के साथ बने रहेगा, ब्लॉग को पूरा देखेगा और कॉलेज में मिलकर फिर से अपडेट देता हूँ। तो गाइस हम फाइनली नहा धो के ऑल सेट हो चुके हैं, लगभग 11:15 का टाइम हो चुका है, हमें 12 बजे तक कॉलेज पहुंचना है, तो बिना किसी देरी के हम निकलते हैं दोस्तों और चलते हैं कॉलेज। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं कॉलेज के लिए, रास्ते से जल्दी जल्दी जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लेट हो सकते हैं हम, इसीलिए थोड़ी गाड़ी की स्पीड है, तो आपको मिलता हूँ सीधा डायरेक्ट कॉलेज में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, तो ये हमारी कॉलेज है सौरभ टीटी कॉलेज के नाम से, तो दोस्तों ये पूरी बिल्डिंग जितनी भी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी कॉलेज है, तो इसमें हम अपना काम फटाफट कम्प्लीट करते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों काम करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम कॉलेज से वापस आ चुके हैं, कॉलेज का जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम रास्ते से जा रहे थे तो मामा की दुकान पे रुक चुके हैं, यहाँ पे मामा का डिलाइट मार्ट है दोस्तों, देख लीजिए आप, ये मामा का डिलाइट मार्ट है, तो इस पे थोड़ी सी खरीदारी करते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी कॉलेज से लौट ही रहे थे, कितने में पापा का फोन आता है कि सिस्टर बीमार हो गई है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ दवाई गोली लेने के लिए, कि पीछे इतना सारा इतना बड़ा जो है टोटल पूरा हॉस्पिटल ही है। तो गाइस मैं यहाँ से दवाई गोली ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, मतलब कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं यहीं से ब्लॉग बना के आपको अपडेट दे रहा हूँ, बाद में आपको शाम को वहीं पर घर जाके मिलते हैं दोस्तों। तो गाइस शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और ये टाइम होता है अपने रोक्सी को खेतों में घुमाने ले जाने का, तो दोस्तों चलते हैं खेतों में और अपने रोक्सी को थोड़ा बहुत टहला लेंगे, वहीं पे उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छे से, ताकि वो अच्छे से खाना खा लेगी, क्योंकि अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, वो घूमती फिरती नहीं है ना, तो उस दिन वो खाना नहीं खाती, तो उसको थकाना बहुत जरूरी होता है, उसकी एनर्जी को निकालना बहुत जरूरी होता है, अगर उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी बन जाती है तो वो खाना नहीं खाती फिर। तो चलते हैं दोस्तों खेतों में रोक्सी को घुमाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं खेतों में अपने रोक्सी को लेकर घुमाने के लिए, तो ये चल रही है अपनी रोक्सी, रोक्सी धीरे चल, धीरे
गाइस आज ही बहुत परेशान हो रही है कि इसको जल्दी है खेतों में जाने की, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है, मैंने खोला नहीं था, सारा दिन बंदी की बंदी थी, इसलिए खुलने के लिए बेताब हो रही है। तो चलते हैं उधर उस साइड में जाके इसको ओपन छोड़ देंगे, बिल्कुल जितना घूमना होगा उतनी घूम लेंगे, जितना खेलना होगा खेल लेंगे दोस्तों। तो गाइस हम आ चुके हैं रॉक्सी को लेके खुले खेतों में, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल खुला है, कोई ना तो फसल है ना कुछ, बिल्कुल खाली खेत पड़ा हुआ है ये। तो इसी में हम अपने रॉक्सी को घुमा लेते हैं आज। देखिए दोस्तों बिल्कुल खाली है, चारों तरफ बिल्कुल खाली है, इधर तो फसल है लेकिन ये जो खेत है ये बिल्कुल खाली है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है दोस्तों। और ये इधर देखिए सनसेट का नज़ारा कितना ही प्यारा लग रहा है गाइस। इसको उधर की तरफ कुछ लोग दिख रहे हैं, गेहूं की फसल काट रहे हैं और आवाज़ें आ रही है ना गिदड़ों की, तो ये देखो कैसे अटेंशन हो चुके, बिल्कुल बिल्कुल गार्डिंग मूड में हो जाती है ये, जब इसको कुछ हलचल होती दिखती है ना तो बिल्कुल गार्डिंग मूड में हो जाती है, क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड होती है ना गार्डिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड होती है। तो आप अगर गार्डिंग के लिए कुछ डॉग रखना चाहो तो जर्मन शेफर्ड आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है दोस्तों। तो गाइस अपने रॉक्सी घूम लिए, अच्छे से फिर लिए, यहाँ पे खेल ली कूद लिए, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुका है, अब चलते हैं सीधा घर इसको लेके और वहीं पे इसको थोड़ी बहुत देर के लिए वहीं पे खिला लेंगे, जिससे इसकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएंगी, जंप वगैरह रनिंग वगैरह वहीं पर हो जाएगी इसकी, क्योंकि खेतों में थोड़ी दिक्कत रहती है, थोड़ा डर बना रहता है कि कहीं कुछ ना कुछ हो ना जाए, कहीं चला नहीं जाए ये, इसीलिए खेतों में ज़्यादा ओपन छोड़ता नहीं हूँ मैं, रिस्की है क्योंकि मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं है खेतों में, जब छोटी थी तब भी मैं इसको चैन से लाता था तो इसको ज़्यादा अनुभव नहीं है, अगर ये यहाँ से कहीं दूर भी निकल जाती है तो इसको वापस आने का कोई रास्ता का पता नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको घर पर लेके चलते हैं और वहीं पर इसकी एक्सरसाइज करा लेंगे, थोड़ी बहुत देर ऊपर छत पर लेके चल देंगे, जिससे ये टूप वगैरह से खेल लेगी और इसे अच्छे से इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी दोस्तों। तो गाइस देखिए हमारे सनसेट का व्यू और खिलखिलाती फसल के साथ में कितना ही अच्छा लग रहा है ये, तो चलते हैं दोस्तों घर पर और वहीं पर इसकी अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं और वहीं से आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं दोस्तों। गाइस हमने फाइनली रॉक्सी को खुला छोड़ दिया है चेन के साथ और ये चल रही है, चल भाग गया, देखिए गाइस मेरे साथ साथ भाग रही है, कूद रही है, खेल रही है। तो गाइस मैंने रॉक्सी को फिर से चेन से पकड़ लिया और अब निकलते हैं घर की तरफ, घर पे जाके इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा लेंगे, जिससे ये अच्छे से शाम को खाना खा लेगी दोस्तों। तो मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं और अब हम रॉक्सी की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा लेते हैं, तो वेट कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से इसकी एक्सरसाइज कराते हैं हम ट्यूब से, तो देखिएगा गाइस। तो गाइस हम रॉक्सी की एक्सरसाइज कराते हैं, अब देखिएगा आप किस तरह से हमारी रॉक्सी एक्सरसाइज करती है। गाइस इसका अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है कि ये खेले मेरे साथ, क्योंकि ये खेतों से ही बिल्कुल थक के आई है, तो इसको ज्यादा एक्सरसाइज करने की वो ही नहीं है कि मैं आज थोड़ा बहुत खेलूं, क्योंकि पहले से ही इसकी बैंड बजी हुई है। कल कराते हैं दोस्तों, कल सुबह आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और कल सुबह देखना आप किस तरह से एक्सरसाइज करती है। गाइस ये बिल्कुल थकी हुई है बट इसकी मस्तियां अभी तक खत्म नहीं हो रही है, देखो मेरे पास कैसे आके बैठ चुकी है और मेरे साथ खेलना चाहती है, देखिए गाइस देखिए ना गाइस बिल्कुल मेरे ऊपर आके बैठेगी ये, तो बेहतर ये देखिए दोस्तों कैसे बैठ चुकी है मेरे पास ही, और बस ये चाहती है कि मैं इसको खुजाता रहूं सारा दिन, ऐसे प्यार करता रहूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है क्योंकि इस टाइम पे फसल की कटाई चल रही है, तो मुझे घर का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा इसको इतना टाइम दे नहीं पाता हूँ मैं, बट कोई ना जब मैं फ्री हूँगा तो इसको पूरा प्रॉपर टाइम दिया करूँगा, प्रॉपर एक्सरसाइज कराया करूँगा। बस आप चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिए दोस्तों, मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँ, रॉक्सी से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड, मेरे खुद के रिलेटेड, मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए गाइस, मेरे साथ ही एक फैमिली बनाओ गाइस, आप सब मिलकर हमारी एक फैमिली होनी चाहिए, जो एक दूसरे को प्यार करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, यही मैं चाहता हूँ। तो गाइस ये थे हमारे आज की वीडियो रॉक्सी के साथ में ही, हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।